अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंस्टेंट बादामी रवा बर्फी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर से आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में 2 टेबल स्पून प्योर घी गरम करेंगे। और जैसे ही घी हल्का गरम होगा हम उसमें 1.5 कप रवा ऐड करेंगे। रवे को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसे ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हल्का रोस्ट करेंगे। और जैसे ही रवा ये हल्का रोस्ट हो जाएगा तब हम उसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप फुल क्रीम दूध लिया है। दूध ऐड करने के बाद इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं मिक्स करते हुए। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर रहे हैं और साथ ही कुछ सैफरन वाटर ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेते हैं। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून क्रश किए हुए आलमंड ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स करते हुए इसी तरह से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट में ये मिक्सचर सिमटने लगेगा। और जैसे ही ये कढ़ाई में एक तरफ सिमटने लगेगा तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें क्रश की हुई 2 से 3 इलायची ऐड करेंगे। अब एक तरफ हम किसी भी मोल्ड को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को सेट कर देंगे। हमें इसकी बर्फी बनानी है इसलिए इसे पतला ही सेट करेंगे। उसके बाद कुछ क्रश किए हुए आलमंड ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर हम बादामी बर्फी बना रहे हैं इसलिए इसे बादाम से इस तरह से गार्निश करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद इस तरह से इसके पीसेस कट करेंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं, आपका जो दिल हो आप उस तरह के पीसेस में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हेल्दी बादामी बर्फी बनके तैयार है। इसमें बादाम भी हैं और रवा, ये दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अब आप भी इस तरह से इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।